नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी किसी भी एग्जाम की मैं बात करूं तो उसमें आपके स्पेशल टॉपिक के तौर पे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, चाहे आपके त्योहार मेले हुए, इस तरीके की एक वीडियो पहले मैं बना चुका हूं। उसका जो सेकेंड पार्ट है, इसमें हम आदिवासी, पहले वाले में भी जितने आदिवासी समुदाय हैं उन आदिवासी समुदायों के द्वारा एग्जाम में जो उनके त्योहार और उनके जो उत्सव मनाए जाते हैं ना, उनसे लेकर के क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ आपके कल बताए थे। आज मैं डिस्कस करूंगा किसके बारे में, तो आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ और आपके जनजातीय मेले और उत्सव के बारे में। तो इनको हम एक एक करके देखते हुए चलेंगे। इसमें आपका जो पहला महोत्सव आता है ना, वो आता है आपका गौरी महोत्सव। गौरी महोत्सव जो है ना, ये राजस्थान से रिलेटेड है और राजस्थान की जो भील जनजाति है ना, ये भील जनजाति इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। यानी गौरी आपकी जो महोत्सव है, ये भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसका समय जो होता है वो आपके अगस्त या सितंबर के समय होता है। ये बेसिकली आपके मानसून का समय होता है। ये जो आपकी बात होती है ना, 40 दिन की अवधि होती है। ये पूरा का पूरा मेला आपके 40 दिन की महोत्सव के रूप में माना जाता है। इसमें जो आपकी पूजा की जाती है ना, भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। इसका मुख्य आकर्षण ये होता है कि ये भील समुदाय के पुरुष पौराणिक कथाओं जो होते हैं ना, उसका नाटक के द्वारा उसका क्या करते हैं, मंचन करते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बनेश्वर का मेला, बनेश्वर का मेला भी आपके राजस्थान के ही, राजस्थान में ही, राजस्थान के आदिवासी समूह के द्वारा आपके डूंगरपुर, एक जगह है डूंगरपुर जिला आपके राजस्थान में पड़ता है। उस राजस्थान में साबरमती और माही नदियों पर के संगम पर क्या है, बनेश्वर महादेव मंदिर आपका क्या होता है। उस बनेश्वर महादेव मंदिर के मंदिर जो है आपका साबरमती और माही नदियों के बीच में है, वहीं पर आपका क्या होता है, ये आयोजित होता है। इसका समय जो होता है ये जनवरी से फरवरी के बीच में, बेसिकली माघ पूर्णिमा में होता है ये। और ये 5 दिन की क्या है, ये त्योहार है, ये भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसका मुख्य आकर्षण ये है कि पारंपरिक नृत्य, भील की जो पारंपरिक नृत्य होती है वो करते हैं लोग, संगीत होता है, विभिन्न प्रकार के जो आपके हस्तशिल्प होते हैं, हाथों से बनाए हुए कलाकृतियां और लोक कलाओं का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से बिहू की बात करूं मैं, तो बिहू आपको पता है असम के आदिवासी समूह का काफी, अगर कहा जाए, बहुत ही प्रसिद्ध आपका एक त्योहार मनाया जाता है। ये जो आपका है ना, ये पूरी तरीके से ना कृषि पर आधारित है। देखिए, अगर मैं बात करूं ना, ये बिहू जो होता है ना, साल में 3 बार विभिन्न मौसमों में मनाया जाता है। बेसिकली बिहू जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहला बिहू आपका रंगाली बिहू कहा जाता है। रंगाली बिहू के बारे में अगर मैं बताऊं आपसे, तो ये बेसिकली आपके अप्रैल में मनाया जाता है, जब फसल की कटाई हो जाती है, फसल की कटाई का त्योहार मनाया जाता है। और नए असमिया वर्ष की शुरुआत जो होती है वो आपका रंगाली बिहू है। तो रंगाली बिहू फसल कटाई की बात होती है, अप्रैल में मनाई जाती है और नए असमिया वर्ष की शुरुआत के लिए भी मनाई जाती है। गायों और बैलों की जो पूजा होती है उसे गोरु बिहू कहते हैं। ये आपका रंगाली बिहू से ही संबंध है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा बिहू होता है भोगाली बिहू। भोगाली बिहू के को कहते हैं माघ बिहू, जो जनवरी में होती है। बेसिकली फसल की कटाई के बाद जो संपन्नता और समृद्धि का उत्सव होता है वो आपका भोगाली बिहू होता है। इसमें क्या होता है, सभी लोग मिलकर के भोज और सामूहिक भोजन करते हैं। तीसरा जो होता है आपका, ये कंगाली बिहू होता है। बेसिकली इसे काती बिहू कहते हैं, जो अक्टूबर के महीने में होता है, कार्तिक महीने में। ध्यान रखेंगे, ये खेतों में नई फसल बुआने की बात होती है। आपको पता है कि रबी की फसल की बुआई यहां होती है, रबी की फसल की कटाई आपकी यहां होती है। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करूं तो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपके आदिवासी समूह के द्वारा, कहां के, तो नागालैंड के नागा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। कोहिमा के आस पास जो एक आपका किसासा हेरिटेज विलेज है, वहां पर मनाया जाता है 1 से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में। ध्यान रखेंगे, ये आपकी मुख्य आकर्षण क्या है, नागालैंड की 16 प्रमुख जो जनजातियां है ना, उनके संस्कृति, परंपराओं, नृत्य, संगीत और कला का इसमें क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। बेसिकली नागा जनजाति इसमें क्या होती है ज्यादातर। ध्यान रखेंगे, प्रदर्शनी की बात करूं तो यहाँ पे वॉरियर डांस, बांस नृत्य, जनजाति युद्ध कला और स्थानीय हस्तशिल्प और आपके खान पान। ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा हॉर्नबिल फेस्टिवल का आपका ये सीन है। ठीक है, तोखू इमोंग के बारे में बात करूं तो तोखू इमोंग जो है ये नागालैंड के लोटा जनजाति या फिर लोथा जनजाति, ध्यान रखेंगे,
जो आपके तोफखू इमोंग है वो नागालैंड के लोथा जनजाति, ये बेसिकली आपके नवंबर माह में मनाया जाता है। लगभग 9 दिन का पूरा क्या होता है, समय होता है। इसमें मुख्य आकर्षण ये होता है ना, ये फसल की कटाई, ये भी आपका फसल त्योहार है। ये क्या करता है, थैंक्स गिविंग का उत्सव होता है। थैंक्स गिविंग किसको, भगवान को धन्यवाद देने का उत्सव होता है कि फसल जो है ना अच्छे तरीके से उपजाऊ होकर के हमारे पास हमारे घर में आ गई, इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं लोग। समृद्धि और अच्छी फसल के लिए किसका करते हैं, ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, तो प्रकृति की पूजा और उनसे आशीर्वाद की कामना की जाती है। सेक्रेनी उत्सव भी आपके नागालैंड के एंगामी जनजाति, नागा जनजाति जो है उनके द्वारा, ये भी आपका फसल उत्सव है, फसल कटाई के बाद होता है। इसमें शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण की बात होती है और इसमें जो आपका होता है वार क्राई प्रतियोगिता भी की जाती है, भारोत्तोलन किया जाता है, रथ दौड़ भी किया जाता है और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बेहदीन खलाम आपके एक महोत्सव है जो बेसिकली मेघालय के जयंतिया हिल्स में मनाया जाता है, जयंतिया समुदाय यानी जयंतिया जनजाति के द्वारा। ध्यान रखेंगे जुलाई के समय होता है, मानसून के दौरान जब मानसून की शुरुआत होती है, इसकी अवधि आपकी 3 दिन की होती है मुख्य अवधि। देखिये ये जो आपका होता है ना महोत्सव ये 15 दिन का चलता है, लेकिन इसका जो मेन आपका होता है ना वो 3 दिन का ही होता है। इसका मुख्य उत्सव 3 दिन ही मनाया जाता है। इसका मुख्य आकर्षण ये है कि अच्छी फसल के लिए ईश्वर से आशीर्वाद की प्रार्थना की जाती है। ये जो आपका महत्व होता है ना बेहदी का, बेहदीन खलाम का जो अर्थ होता है वो विनाशकारी प्लेग से मुक्ति होती है, ध्यान रखिएगा। खेल अगर मैं बात करूं इसमें एक अंतिम दिन एक लॉन्ग डाइंग खेल होता है जो बेसिकली लकड़ी के लॉग से खेला जाता है। ये एक तरह का खेल होता है जो सामुदायिक एकता और शक्ति का प्रतीक बताता है इस चीज को, ठीक है। इसके बाद एक लोसार त्योहार है जो आपके अरुणाचल प्रदेश में आपका क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश के मोनपा जनजातियों के द्वारा, शेरदू कपिन जनजातियों के द्वारा और खंबा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। समय इसका फरवरी या मार्च के आसपास होता है जो बेसिकली तिब्बती बौद्ध कैलेंडर के अनुसार क्या होता है आपका, तिब्बती बौद्ध कैलेंडर के आसपास इनकी शुरुआत होती है। इसका अवधि आपका 15 दिन का होता है, ध्यान रखेंगे। मुख्य आकर्षण इसमें चाम नृत्य होता है जो बेसिकली तिब्बती एक मुख्य नृत्य है, मुखौटा पहनकर किया जाने वाला डांस है। इसमें एक थंका पेंटिंग्स और आपके हस्तलिप और जो आपके तिब्बती व्यंजन कौन से आपके थुकपा और मोमोज बनाए जाते हैं और खिलाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके बाद से आपका लोसांग फेस्टिवल है जो आपके सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम की लेपचा और भूटिया जनजातियों के द्वारा। ये बेसिकली दिसंबर में मनाया जाता है जो ये शो करता है तिब्बती नव वर्ष के बारे में और ये एक तरह से फसल उत्सव है तो फसल कटाई की भी बात इसमें होती है। इसमें मुख्य आकर्षण होता है कि कई सारे गेम भी खेले जाते हैं, तीरंदाजी, कुश्ती, रथ दौड़, चाम नृत्य होता है और आपका तिब्बती व्यंजन इसमें भी बनता है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं साजिबू चेराओबा के बारे में तो साजिबू चेराओबा भी एक तरह से मणिपुर का फसल उत्सव है, मणिपुर की मितेई जो आपकी जनजातियां है ना, मितेई जनजातियों के द्वारा ये मनाया जाता है। इसका समय क्या है, तो साजिबू महीने का पहला दिन जो यानी साजिबू महीने यानी मणिपुर का जो ना मणिपुर का नौ वर्ष जो होता है मार्च या अप्रैल में जो साजिबू महीने का पहला दिन होता है वही इसका क्या होता है साजिबू चेराओबा महोत्सव मनाया जाता है। मणिपुर नौ वर्ष का होता है, इसमें प्रकृति की पूजा की जाती है और पारंपरिक अनुष्ठान किया जाता है। तो इस तरीके से जितने जनजाति आपके प्रमुख तौर पे, जो आपके मेन तौर पे अगर मैं बताऊं तो जितने आपके जनजातीय मेले और उत्सव रहे उनको हमने यहां पर खत्म किया है। इसके बाद मैं और एक नया टॉपिक लेकर के आऊंगा, उन नए टॉपिक्स में आप लोगों को सारी चीजें मैं कवर कराते हुए चलूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।